और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से सिक्सर के जरिए हम रेल को लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ में मौजूद है सिक्सर और इसमें पिंस लगी हुई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिंस का क्या ताल्लुक है सिक्सर से, ये पिंस क्यों लगी हुई है इसमें। तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें ये पिंस लगी हुई है। अब मैं वो बॉक्सेस आप लोगों को दिखा भी देती हूँ ये पिंस निकाल के। मेरी सारी पिंस कंप्लीट हो चुकी हैं, अब ये पूरा खाली हो गया और इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इस पे राइटिंग करनी है, यानी जो पिंस मैंने निकाली हैं उनको अब मैं तरतीब वाइज लगाऊंगी क्योंकि पहले से वो बेतरतीब लगी हुई थी। तो यहाँ पे अब मैं इन पिंस को तरतीब से वापस लगाऊंगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताती चलती हूँ कि ट्यूटोरियल्स में हमने पढ़ा था कि ब्रेल एक ऐसा तर्ज तहरीर है जो उभरे हुए 6 नुकात पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 6 नुकात के जरिए हमारे पास डिफरेंट शेप्स भी बन सकती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 63 शेप्स बनती हैं जिनके जरिए हम मुख्तलिफ ज़बानें लिख और पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 6 डॉट्स हम सिक्सर पे किस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं इस एक एक पिन को उठाऊंगी और जो मेरे पास खाली बॉक्सेस हैं उनमें लगाऊंगी। लेकिन लगाना किस तरीके से है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैंने ये फर्स्ट पिन उठाई है और अब 6 डॉट्स कैसे बनने, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और राइट साइड पे 4 5 6, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे ये मेरा एक बॉक्स आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 1, यानी कि मैं यहाँ पे एक पिन लगा दूंगी इस बॉक्स में, तो वो हो जाएगी 1 के पिन। ये देखें, ये अब 1 है। अब मैं इसके बराबर में राइट पे भी लगा सकती हूँ और इसके नीचे भी लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी 6 डॉट्स चाहिए तो मैं इसके नीचे दूसरी पिन लगाऊंगी, ठीक है। ये मैंने सेकंड पिन लगा दिए, तो ये मेरे पास 1 और 2 हो गया, लेकिन मेरे पास अभी भी लेफ्ट साइड का एक बॉक्स खाली है, तो वहां पे मैं क्या करूंगी, वहां पे मैं 3 का डॉट लगा दूंगी। अब हमारी ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है, इसी तरीके से हम अपनी राइट साइड को भी फिल करेंगे। तो 1 के बराबर में राइट साइड पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से 2 के बराबर में राइट साइड पे 5 आ जाएगा और इसी तरीके से 3 के बराबर में राइट साइड पे 6 आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉप पे 1 है, तो इसी तरीके से राइट साइड पे टॉप पे 4 होगा और इसके बाद मिड पे हमारे पास 2 है, तो राइट साइड पे मिड पे भी हमारे पास 5 है। इसी तरीके से हमारे पास अगर बॉटम पे 3 है तो राइट साइड पे 6 है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि हम इसमें अल्फाबेट्स किस तरीके से लिख सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि किस तरीके से हम अल्फाबेट्स लिख सकते हैं सिक्सर पे। अब A is 1, तो मैंने टॉप पे 1 की पिन लगा दी है, ठीक है, तो ये मेरा A is 1 हो गया। अब इसी तरीके से B is 1 2, तो 1 मेरा पहले से लगा हुआ है और अब मैं उसके नीचे ही 2 लगा दूंगी लेफ्ट साइड पे। आज हमने सिक्सर की ओरिएंटेशन की, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्लेट के जरिए रीडिंग एंड राइटिंग पैटर्न सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।